आज हम बात करेंगे 10 बातें जो हर पर्सन अपनी असफलता से सीखता है। ये हर पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत सी मिस्टेक्स करता है और असफल होता है। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए असफल होना बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि हर सफल आदमी ने ये माना है कि असफलता सफलता तक पहुंचने का पहला कदम है। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इन गलतियों से सबक लें। हर एक दिन अपने साथ जुड़ा हर एक इंसान, आपसे मिलने वाला हर नया इंसान, हर परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ नया सबक सिखाती है। हमें जरूरत है उनको समझने की। आज मैं आपको यहां आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिसे इंसान अपनी असफलताओं से सीख सकता है। 10 थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम फेलियर्स। असफल होने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। असफलता इस लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो ये ना सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि इस दौरान की गई गलतियों से सीख लें। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि बिना किसी डिफिकल्टीज के और असफलताओं के सफल हुआ हो। आप असफलता की सीढ़ी पर पांव रखकर ही सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको असफलता से बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन असफलता के बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास यही है कि आप असफलता को सकारात्मक रूप में स्वीकार करके गलतियों से सबक लें। पास्ट में की गई मिस्टेक्स से सबक लेकर के आप फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करें। जो बीत गया वो आपका अतीत था, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ो। आपने अपने अतीत में जो गलतियां की हों उसे पकड़कर रोते ना रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आपका कल भी बिगड़ जाएगा। जो हो गया उस पर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए उसे लेकर के परेशान क्यों होना। बेहतर है कि इन काम नाकामयाबियों को स्वीकार करें और इनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। देखिए, आपको अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, न कि संसार को बदलने की। जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है या हम असफल होते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग परिस्थितियों या दूसरे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हमारी गलतियों और असफलताओं के लिए ये लगा लो कि हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। असफलताओं के बाद हमें अपनी शक्तियों और कमियों का पता चलता है, ताकि हम अपनी कमियों को शक्तियों में बदल सकें। असफलता के बाद ज्यादा साहसी बने। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन एक बार जब इंसान असफल हो जाता है तो असफलता का डर खत्म हो जाता है और इंसान ज्यादा साहसी बन जाता है। असफलता का अनुभव लें और अपनी असफलताओं की मदद से डर को मिटा दें। अपने सपने का पीछा करें। असफलता के कारण हार मानना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। असफलता ये दर्शाती है कि इंसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए असफलता से सीख लें। कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। देखिए, असफलताओं से हारने की बजाय खुद को चुनौती दें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। कोई भी इंसान पूरी तरह से कुशल नहीं होता। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पूरी तरह से कुशल हो। कोई ऐसा आदमी नहीं। अगर आपको खुश रहना है
तो अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। आपको पता है समय सबसे वैल्यूएबल है। असफलताएं ये बताती हैं कि हमने समय का सही यूज नहीं किया है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो हमें सबसे ज्यादा अपने कीमती समय पर ध्यान देना होगा। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित ही पीछे हो जाएंगे। और सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है। अपना दायरा बढ़ाएं। देखिए असफलताएं ये इशारा करती हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। हम सभी कुछ भी नया करने से डरते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब तक हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बिना डरे प्रयास करें। अपना कंपैरिजन किसी से भी ना करें। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। जो गुण आपके अंदर है जरूरी नहीं कि वो दूसरों में भी हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ दूसरों से बेहतर होता है, इसलिए दूसरों से अपनी कंपैरिजन करना वेस्टेज है। ऐसा करके आप पूरी तरह से समय और एनर्जी दोनों की बर्बादी करते हैं। हमें दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, ना कि जलन रखनी चाहिए। जिंदगी की यात्रा का आनंद लीजिए। अगर हर इंसान अपने अंदर इच्छा और बदलाव रखता है तो ये संसार अपने आप ही बदल जाएगा। ये जिंदगी एक सफर की तरह है, इसे बिना किसी परवाह के इसका आनंद उठाते हुए और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें। डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, अनसक्सेस ये जिंदगी की एक यात्रा का हिस्सा है, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है जनाब।